दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ उनका दोहरा शतक और भारत की ऐतिहासिक जीत देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हैरान रह गया। फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों ने यशस्वी जायसवाल, सरफराज, यहाँ तक की गिल की तारीफों की कसीदे पढ़ते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमामुल हक ने कैसे अपनी मीठी बातों से गिले शिकवे को किया है दूर। भारत की अद्भुत जीत पर क्या बोले पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। तीसरे दिन रिटायर्ड हर्ट होने के बाद यशस्वी जायसवाल एक बार फिर मैदान पर उतर गए। पहले तो उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर अपना 150 रन पूरा किया, लेकिन कुलदीप उनके साथ छोड़कर चले गए और फिर सरफराज खान के साथ मिलकर उन्होंने मैदान में तांडव मचाकर इतिहास रच दिया। वहीं सरफराज खान भी बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने डेब्यू मैच की दूसरी पारी में भी अर्धशतक ठोक दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर इस सीरीज का दूसरा शतक दोहरा ठोक कर इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य 557 रनों का लक्ष्य रखा था। बल्लेबाज के बाद अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की। इंग्लैंड के लिए जैक क्राउली के साथ बेन डेकेट अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन जहां पिछले पारी के शतकवीर डेकेट जल्दबाजी में ध्रुव जुरेल की जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, तो उनके साथ जैक क्राउली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से LBW आउट कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर ही दो बड़े झटके दे दिए थे। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान, और जब जडेजा चलते हैं तब तो सामने वाली टीम केवल रहम की भीख ही मांगती नजर आती है। इस बार जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले उन्होंने ऑलीपॉप का शिकार किया और ये बल्लेबाज केवल 3 रन बनाकर चलता बना, तो फिर अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने जॉनी बेरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित की और उनकी कमर तोड़ दी थी। जहाँ स्कोर बोर्ड पर केवल 28 रन थे और इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं, और बुमराह, जडेजा के अलावा कुलदीप और सिराज ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चौथे दिन ही टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाकर उन्होंने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। भारत की बेहतरीन बल्लेबाजी और ऐतिहासिक चौथे दिन ही जीत देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज तो तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू हो गए। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े खतरनाक बल्लेबाज इंजमामुल हक भारत की जीत और जायसवाल के द्वारा शतक पर बयान देते हुए कहते हैं कि टीम इंडिया ने खतरनाक जीत दर्ज की। मैं देखकर काफी हैरान हूँ कि टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जैसा कीर्तिमान राज हर किसी की बोलती बंद कर दी। एक सीरीज में 2 बार दोहरा शतक लगाकर उन्होंने नया इतिहास रच दिया। मैंने ऐसा बल्लेबाज कभी नहीं देखा, ये भारत के दूसरे गॉड ऑफ क्रिकेट हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी भारत की जीत और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि मैं टीम इंडिया और उनके बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करूं कम है, उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। यशस्वी जायसवाल दुनिया के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज है, उन्होंने इंग्लैंड को शर्मनाक तरीके से धोया है। मैंने उनके जैसा बल्लेबाज नहीं देखा, इस खिलाड़ी के अंदर काफी काबिलियत है, ये भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। साथ ही ऑल टाइम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि मैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच देखकर हैरान हूं। मेरे पास तो टीम इंडिया के लिए शब्दों की कमी है, उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अद्भुत प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। जायसवाल ने अपने कारनामों से सभी की बोलती बंद कर दी, मैं इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करूं कम है। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी भारत की अद्भुत जीत पर बयान देते हुए कहा कि मैं भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर हैरान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे इंग्लैंड की टीम एक ही दिन में ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने करिश्माई गेंदबाजी कर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं जायसवाल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। मैं इस बल्लेबाज की तारीफ में जो कुछ कहूँ कम है, ये टीम इंडिया का दूसरा सचिन हो सकता है और इस खिलाड़ी के अंदर वो प्रतिभा नजर आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे दिन ही टीम इंडिया के सामने अंग्रेजों ने डाल दिए हथियार, तो इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स तो फूट फूट कर रोने लगे और अब भारत पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए उन्होंने जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्यों बने बेन स्टोक्स
अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आखिर कैसे एक बार फिर उन्होंने अपना पुराना रोना धोना गाते हुए अपनी हार का जिम्मेदार पिच और गलत फैसलों को ठहरा दिया, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जयसवाल गिल और सरफराज खान में आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों एक बार फिर टूटा है घमंडी इंग्लैंड का गुरु। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसा कांटे का टेस्ट मैच देखने को मिला जिसे 4 दिनों में ही टीम इंडिया ने खत्म कर दिया, वो भी उस दरमियान जब ऐसा लग रहा था ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा या फिर इंग्लैंड उसे अपना नाम कर लेगी। और ये संभव हो पाया यशस्वी जयसवाल के दोहरे शतक के साथ साथ गिल सरफराज की तूफानी बैटिंग और भारत के स्पिन गेंदबाजों के जलवे के कारण। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जयसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 14 चौके तो वहीं 12 खौफनाक छक्कों से सजाया था। उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 51 तो वहीं सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बना दिए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ था, जिसे चेज करना तो अंग्रेजों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी, चाहे इंग्लैंड 2 बार बैटिंग कर लेती लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पहले बुमराह तो फिर उनके बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान, और उन्होंने ऑली पॉप और जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर दी, उनकी कमर तोड़ दी थी। उनके बाद बारी आई कुलदीप यादव की, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एक के बाद एक इंग्लैंड के सबसे बड़े 3 बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक के साथ रियान अहमद को चलता कर केवल 50 रनों पर ही 7 इंग्लिश बल्लेबाजों को ढेर कर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगा दी। और चौथे दिन ही टीम इंडिया ने 2-1 से इस टेस्ट सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद तो जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था तो वहीं इंग्लिश खेमे में मातम छाया हुआ था, क्योंकि बेसबॉल के प्लान पर भारतीय टीम ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था और एक बार फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दोबारा से इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपना पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, यहां तक कि अब इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक का रिएक्शन सामने आया। वो काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा पिच के साथ क्या हुआ, जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट पिच है, लेकिन जैसे ही हमारी बैटिंग आई तो स्पिन गेंदबाजों को इतनी ज्यादा मदद मिलने लगी। जब हम पवेलियन गए थे उस दौरान जरूर पिच से छेड़छाड़ हुई होगी, क्योंकि ऐसा टीम इंडिया कर सकती है, उन्होंने पहले भी किया हुआ है और ये उनका घर है। इतनी बड़ी हार की उम्मीद तो हमने भी नहीं की थी, ये हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन हर हार के पीछे कोई कारण होता है। जयसवाल और सरफराज ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो दोनों हमसे मैच को दूर ले गए और हम वहीं पर लगभग हार गए थे। हमारे गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए और वो हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, आगे उन्होंने कह दिया कि हमें पता था कि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का सामना करना उतना आसान नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। फिरकी के सामने एक बार फिर हम पूरी तरीके से ढेर हो गए और हमारा कोई भी प्लान काम नहीं आया। इस हार को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है, इसके साथ कई बड़े बड़े कारण है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में अगला टेस्ट मैच शुरू है और हमें उसकी तैयारी करनी है, लेकिन हम टीम इंडिया से बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से बेन स्टोक ने तो अब अपनी गलती मानने के जगह हमें ही धमका डाला। लेकिन आपको क्या लगता है, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, जयसवाल, रोहित, गिल, जडेजा या फिर कोई और, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का चौथे दिन रोमांच जा पहुंचा। इंग्लिश टीम का घमंड देखने लायक था, वह तो छुट्टियां मनाकर भारत आए थे। उन्होंने सोचा कि टीम इंडिया को हराना बच्चों का खेल है क्योंकि भारतीय टीम में अनुभव की कमी थी, लेकिन उनके इस गलतफहमी को भारत के युवा टैलेंट ने पल भर में तहस नहस कर दिया जब तीसरे दिन शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने चौथे दिन अपने बल्ले से तूफान न केवल दोहरा शतक जड़ा बल्कि सरफराज खान के साथ मिलकर टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 556 रनों की लीड दिलवा दी। जी हां, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों के रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसे उन्होंने 14 चौकों और 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91, सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बनाए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसे चेस करना अंग्रेजों की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी, चाहे इंग्लैंड 2 बार बैटिंग कर लेती लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जहां ध्रुव जुड़ैल पिछली पारी के शतक वीर डकैत जल्दबाजी में ध्रुव जुड़ैल की जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, तो फिर उनके साथी जैक रॉली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से LBW कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर 2 बड़े झटके दिए। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान और उन्होंने ऑली पॉप जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित करके उनकी कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोरबोर्ड पर केवल 50 रन थे और इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, इसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। और बुमराह, जडेजा के अलावा कुलदीप और सरफराज ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चौथे दिन ही टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाकर उन्होंने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। इसके बाद तो जहां इंग्लैंड खेमे में माताओं का माहौल है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम कर रही है। अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें पूरी तरह फटी रह गई। इंग्लिश कोच पूरी तरीके से हैरान थे और परेशान भी नजर आए।
यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि हमने सोचा था बेसबॉल हमारा अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई।